हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इंजीनियरिंग कॉर्नर फॉर इंस्पेक्शन, इसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई कंट्री में 3 महीने, कोई कंट्री में 6 महीने और कोई कंट्री में 1 साल पे इंस्पेक्शन होता है। वो सर्टिफाइड इंजीनियर इंस्पेक्शन करते हैं और वो क्रेन पे एक स्टिकर लगाते हैं, जो स्टिकर से हमें पता चलता है कि ये क्रेन सर्टिफाइड है और इसका इंस्पेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिए कि क्रेन में क्या क्या इंस्पेक्शन होता है। अगर आप एक क्रेन ऑपरेटर हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंजीनियर हमारे क्रेन में क्या जांच करते हैं और क्या जांच को अहमियत देते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि क्रेन से रिलेटिव मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। तो दोस्तों, ये है इंजीनियरिंग कॉर्नर इंस्पेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉर्नर इंस्पेक्शन, तो ये इंजीनियर इंस्पेक्शन करते हैं ये पेपर के जरिए और हमारे क्रेन को स्टिकर देते हैं, और वो स्टिकर लगाने के बाद में हमारा क्रेन को हर जगह काम करने के लिए अप्रूवल मिल जाता है। तो क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं इंस्पेक्शन, लेकिन आपके पास ऑथोराइज नहीं है स्टिकर लगाने का, लेकिन आप ये इंस्पेक्शन खुद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए, पहला इंस्पेक्शन होता है, अब ये देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पहला इंस्पेक्शन मेन हुक ब्लॉक। तो मेन हुक ब्लॉक क्या है आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है। मेन हुक में क्या क्या चेक किया जाता है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हुक ब्लॉक में जो साइड से दो गार्ड दिया हुआ है, तो ये दोनों गार्ड में आप अच्छे से चेक कर लीजिए। ये इसको हम हिला के देख लेते हैं कि इसमें जो स्प्रिंग जो लगा होता है और इसमें जो नट बोल्ट के वजह से नट बोल्ट पे जो कनेक्टिंग किया जाता है वो मतलब सही ढंग से काम कर रहा हो, जिसके वजह से हमारा वायर सिक्योर होता है। और ये हुक ब्लॉक में ये जो पिन जो लगा होता है, ये पिन की पूरा कंडीशन देखा जाता है, लूज ना हो और ये कहीं से डैमेज ना होने पाए, क्योंकि डैमेज होता है तो फिर यहाँ से ख़तरा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको ठीक तरह से चेक किया जाता है, इसका पूरा डैमेज और इसका कंडीशन और इसका जो पिन है, सभी को सही ढंग से चेक किया जाता है। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा दिया है मेन ब्लॉक सेव। मेन ब्लॉक सेव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये मेन ब्लॉक सेव जिसके ऊपर वायर को रिविंग किया जाता है। दोस्तों, ये है हमारा हुक का सीव। ये सीव में ही पार्ट ऑफ लाइन इसी के मदद से बनाया जाता है। जितना हमें वायर चाहिए ये सीव के मदद से ही, कितना पार्ट ऑफ लाइन चाहिए इस सीव के मदद से ही बनाया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए इसमें सीव में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए और सीव का कंडीशन अच्छा कंडीशन होना चाहिए, इसमें कोई भी क्रेक और डैमेज नहीं होना चाहिए, ये हमें अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है एक्जिलरी हुक ब्लॉक। एक्जिलरी हुक ब्लॉक, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, एक्जिलरी हुक ब्लॉक का काम होता है कि मतलब छोटा सामान यानी 5 टन से कम के सामान को, 5 टन या 6 टन से कम के सामान को लिफ्टिंग किया जाता है। तो ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा एक्सेलरी हुक है, जो कि इसका कैपेसिटी है 5.6 टन। तो इसका हम साइड का गार्ड देख लेते हैं कि साइड का गार्ड लूज ना हो, इसका स्प्रिंग का कंडीशन और इसका जो पिन और नट बोल्ट जो है और इसमें कोई भी डैमेजेस नहीं होना चाहिए, तो इसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर है बग सॉकेट। बग सॉकेट को इंस्पेक्शन करते समय ये ख्याल रखा जाता है कि हमारा जो वायर है वो सही से बग सॉकेट में लॉक हुआ हो, कनेक्ट हुआ हो, उसमें का जो नट बोल्ट है वो कहीं से लूज ना हो, और जो हम बूम में जो हम कनेक्ट किए हैं पिन के मदद से, उसका जो पिन है वो मजबूत होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में पांचवें नंबर पर है एक्जिलरी सीव। जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, एक्जिलरी सीव, एक्जिलरी नोज सीव भी कहा जाता है। तो इसका इंस्पेक्शन करते समय इसका डैमेज का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, और इसके सीव के ऊपर में एक पिन होता है, वो पिन को हमेशा अटैच होना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से वायर को निकलने का खतरा होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सीव के ऊपर में एक पिन लगा हुआ है जो कि हमारे वायर को कंट्रोल करता है और वायर को सीव से बाहर नहीं आने देता। छठवें नंबर पर है, आप देख रहे हैं सेंसर स्विच। तो ये देखिए, जैसे फोटो में दिखा रहा है सेंसर स्विच, ये सेंसर स्विच इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा होता है, जो कि हम कोई भी लोड उठाते हैं तो हुक जो है, हुक ब्लॉक इसके सेंसर में आके अगर टच होता है तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसे कटआउट कर देता है, हुक को ऊपर नहीं जाने देता है, जिसके वजह से बूम डैमेज होने से बच जाता है। इस सेंसर को हम एंटी-टू ब्लॉक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंस्पेक्शन करते समय हमेशा हमें हुक को एंटी-टू ब्लॉक में टच करके देखना चाहिए कि ऑटो कटऑफ हमारा कंप्यूटर कर रहा है कि नहीं। अगर ऑटो कटऑफ नहीं कर रहा है तो हमारा बूम में डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें हमारा एंटी-टू ब्लॉक हमेशा सही रखना चाहिए।
उसके बाद में सातवें नंबर पे है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का काम होता है कि ये जो भी काम करते समय जो भी हवा चलता है उसको विंड स्पीड कहा जाता है। ये विंड स्पीड को हमारे कंप्यूटर में दर्शाता है कि कितना हवा का रफ्तार है। एनेमोमीटर को इंस्पेक्शन करते समय हमेशा ध्यान दिया जाता है इसमें जो ब्लेड लगी होती हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं ये डैमेज ना हो। डैमेज होने की वजह से इसका जो विंड का स्पीड है ये सही माप नहीं बता पाता है, तो हमेशा इसका ख्याल रखा जाता है। तो आठवें नंबर पर दिया है बूम एंगल इंडिकेटर। तो बूम एंगल इंडिकेटर का काम है कि जैसे जैसे बूम अप होता है ये इंडिकेटर शो करते जाता है कि हमारा बूम कितना एंगल पे है, और जैसे जैसे डाउन होता है बूम तो वैसे वैसे ये इंडिकेटर शो करता है। तो बाहर साइड में जो भी रिगर काम कर रहा है हमारे साथ में जो सिग्नल दे रहा है उसको इससे अनुमान लग जाता है कि हमारे बूम कितना एंगल पर काम कर रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसको इंस्पेक्शन करते समय हमेशा इसके जो नट बोल्ट पे जिस पे ये टाइट होता है और जिसमें ये गोल गोल वाशर होता है और वो वाशर पे की मदद से ये इंडिकेट करता है, तो इसको हमेशा इंस्पेक्शन करते समय उसका ख्याल रखा जाता है कि वो प्रॉपर अपने जगह पर हो और उसमें कोई डैमेज ना हो और उसमें जंग वो ना आया हो। दोस्तों ये नौवें नंबर पर है केबल ड्रिल ड्रम। केबल ड्रिल ड्रम का काम है कि जो भी बूम आप बाहर निकलता है और अंदर आता है उसका मेजरमेंट ये केबल ड्रिल ड्रम की वजह से ही हमें पता चलता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में शो होता है केबल ड्रिल ड्रम के वजह से ही हमें पता चलता है। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं तो हमेशा इसको इंस्पेक्शन करते समय इसमें ध्यान रखा जाता है जो ये रील ड्रम में जो वायर लगा हुआ है वो वायर कहीं से भी कटा हुआ ना हो, क्योंकि वायर जब कट जाएगा तो कंप्यूटर में मेजरमेंट का सही पता नहीं चलता है। तो और इसके जो डैमेजेस का हमेशा ख्याल रखा जाता है, इसमें चेक किया जाता है कि कहीं से भी इसमें जंग ना लगा हो। जंग लगने की वजह से ये रील प्रॉपर घूम नहीं पाता है जिसके वजह से वायर डैमेज होता है और उसके बाद में जो क्रेन के कंप्यूटर में जो मेजरमेंट आता है बूम का वो सही नहीं दिखा पाता है। दसवें नंबर पर है दोस्तों विंच मोटर। विंच होता है, विंच में जो वायर का रोल होता है जो रोप का रोल होता है उसको कंट्रोल करना हमारे मोटर का काम होता है। जैसे जैसे हम लीवर को ऑपरेट करते हैं वैसे वैसे मोटर के सहायता से हमारा जो विंच है वो काम करना चालू करता है। ये मोटर जो होता है ये हाइड्रोलिक मोटर होता है। इंस्पेक्शन करते समय हमेशा इसके होस को देखा जाता है कहीं से लीकेज ना हो प्रॉपर, और इसमें कहीं से इसका जो मोटर हो कहीं क्रेक नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से ऑयल ड्रॉप होता है और ऑयल ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे ये मोटर के नीचे में पूरा ऑयल गिरा होता है। और जब लिफ्टिंग करते हैं लिफ्टिंग कंट्रोल करने के लिए ये मोटर की सहायता से ही विंच कंट्रोल किया जाता है। तो हैवी लिफ्ट करते समय मोटर हमारा अगर फेल हो गया और विंच को कंट्रोल नहीं कर पाया तो एक्सीडेंट बड़ा खतरा होने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसीलिए हमेशा इसके लीकेजिंग का ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों काउंटर वेट है। काउंटर वेट का काम दोस्तों आपको पता ही है कि काउंटर वेट ही हमारे क्रेन को बैलेंस करता है। काउंटर वेट की वजह से ही हम जितना भी सामने में लोड उठाते हैं वो हमारे क्रेन को पीछे से उठने नहीं देता है और मेंटेन करता है हमारी कैपेसिटी के, क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से क्रेन का काउंटर भी सेटिंग किया जाता है। तो काउंटर वेट का इंस्पेक्शन करते समय हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ये अपने जगह पर फिक्स होना चाहिए, कहीं से भी ये लटका हुआ या अपने जगह से अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें ये जो पिन लगा होता है ये पिन हमेशा इसमें फिक्स होना चाहिए, पिन निकलना नहीं चाहिए, ताकि ये काउंटर वेट को अपने जगह पर फिक्स रखने में मदद करती है। उसके बाद में बारहवें नंबर पर है वैक्यूम लाइट। दोस्तों वैक्यूम लाइट का इंस्पेक्शन करते समय हमेशा इसको ख्याल में रखा जाता है कि ये लाइट चालू हो और इसके अंदर एक मोटर लगा होता है, मोटर हमेशा रोटेट कर रहा हो जिससे लाइट हमेशा चारों तरफ जलते हुए नज़र आता है। उसके बाद में स्पॉट लाइट दिया हुआ है। स्पॉट लाइट ये देख रहे हैं हमारे क्रेन के केबिन के जस्ट ऊपर ही होता है, इसको स्पॉट लाइट कहते हैं। ये स्पॉट लाइट का काम होता है कि जैसे जैसे हम क्रेन को मूविंग करते हैं या स्विंग करते हैं तो जिस दिशा में हमारी केबिन जाएगी उस दिशा में ये स्पॉट लाइट फोकस करेगा और हमें देखने में अंधेरे में देखने में आसानी होती है। इंस्पेक्शन करते समय स्पॉट लाइट का भी ख्याल रखा जाता है, स्पॉट लाइट जलाकर चेक किया जाता है ये चालू होना चाहिए, ये वर्किंग करना चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों विंच सीलिंग गाइडर बार। ये एक रोल जैसा आपको दिख रहा है, ये रोल से ही हमारा विंच में जो वायर है वो ऊपर नीचे नहीं हो पाता है और एक सेफ में लपेटता हुआ चला जाता है। ये विंच सीलिंग गाइडर बार के वजह से ही ये संभव होता है।
गाइडर बार का इंस्पेक्शन करते समय इसको देखना चाहिए, इसमें जो स्प्रिंगें जो लगी हुई है वो लूज नहीं होना चाहिए और डैमेज नहीं होना चाहिए इस स्प्रिंग, और ये रोल के ऊपर बराबर दबाव बनाया रहना चाहिए, जिसके वजह से जो सीलिंग जो लपेटा जाता है विंच में, जो सीलिंग लपेटा जाता है वो अपने सेफ में लपेटता हुआ होना चाहिए। इसके नट बोल्ट का भी हमेशा ख्याल रखा जाता है, इसका नट बोल्ट प्रॉपर तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। टेलीस्कोपिक सिलेंडर का काम दोस्तों आप जानते ही हैं, टेलीस्कोपिक सिलेंडर की मदद से ही बूम को जो है ऊपर और नीचे किया जाता है। इंस्पेक्शन करते समय टेलीस्कोपिक बूम को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये कहीं से भी लीकेजिंग ना हो, ये हाइड्रोलिक ऑयल पे चलता है तो हाइड्रोलिक ऑयल कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है दोस्तों केबिन हैंडल रेल, रॉड का जो ये केबिन के ऊपर ऊपर ये जो बनाया गया है, तो इसके मदद से हम लोग क्रेन का जो पोजीशन है, अगर जैसे लेडर की तरफ नहीं है तो ये केबिन हैंडल के वजह से ही हमको नीचे उतरने और बाहर जाने के लिए ये बहुत मदद मिलती है। तो इंस्पेक्शन करते समय ये हैंडल रेल को प्रॉपर चेक किया जाता है, ये इसका वेल्डिंग हमेशा लगा हुआ होना चाहिए, ये कहीं से टूटा हुआ और डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ये मिरर का दिया है, ये केबिन के ऊपर ही जस्ट एक मिरर होता है जो कि हमें बाइक में देखने के लिए बहुत मदद करता है, जैसे हम अपने विंच में वायर का पोजीशन देखना चाहते हैं तो ये मिरर की वजह से ही संभव होता है। इंस्पेक्शन करते समय इसका ख्याल रखा जाता है कि मिरर डैमेज ना हो, ये कहीं से क्रैक ना हो और ये फूटा हुआ ना होना चाहिए, जिसके वजह से पीछे लगे हुए वायर विंच को हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो दोस्तों ये 19 इंस्पेक्शन ऐसे हैं जो इंजीनियर आके हमारे क्रेनों में इंस्पेक्शन करते हैं, जिसकी लिस्ट उन्हीं के पास होती है, हम देख नहीं पाते ना ही वो हमें दिखाते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश किया हूं कि हमारे क्रेन में अगर इंस्पेक्शन करना हो तो बिना इंजीनियर के ही हम खुद इंस्पेक्शन किया जा सकता है और इस चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, जो कि मैं वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, प्रश्न है तो हमें ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आपको कमेंट से के जरिए ही रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।